आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कानून था जिसका विरोध करने पर हमें जो है जेल में डाला गया है, वो कानून संविधान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा ये जो विरोध है इसका वो विरोध जारी रहेगा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से योगी पुलिस ने निर्दोष लोगों को घरों से हटा के, होटलों से हटा के जो है यहाँ जेल में ठूंसा है, वो एक दमन का प्रतीकात्मक है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये चुनौती है कि लखनऊ पुलिस वो सारे वीडियो जारी करे जो वो कहती कि हमारे पास है और जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है उनको आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये लोग उसमें थे। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंसा हुई है ये आरएसएस और पुलिस ने मिलके की है, हमारे किसी साथी ने हिंसा नहीं किया। हम लोग मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ, 32 साल की नौकरी वाला, मैंने अपने पोस्ट पे खुद डाला है कि इसमें जो हिंसा है वो कतई बर्दाश्त नहीं, विरोध प्रतिरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और ये जो हिंसा है ये जानबूझ के कराई गई है ताकि हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता जो राजनीतिक कार्यकर्ता है हम लोग बदनाम हो और अल्पसंख्यकों और दूसरे लोगों का जो है दमन करने का मौका। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसका विरोध केवल मुसलमान नहीं करते, सारे ऐसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं और जो गिरफ्तार होके आए हैं उसमें सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग हैं और ये और इस हमारे प्रतिरोध ने योगी सरकार को ये बता दिया है कि जनता और हम लोग आपके दमन से दबने वाले नहीं हैं। ये हमारा प्रतिरोध जारी है और जारी रहेगा। ऐसा बताया गया था कि जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था उस दिन आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकले थे, किस तरह से सब कुछ हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम था? देखिए ऐसा है, इन्होंने 19 तारीख को मुझे सवेरे से लेकर शाम 5 बजे तक जाए मेरे घर पर पुलिस लगा के इन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा था। मैं वहाँ पर रहा और जब शाम को मुझे पता चला कि भाई ऐसे हिंसा हो गई है तो मैंने कुछ साथी जो बाहर थे उनसे बात की, मैंने पूछा ये कैसा हो गया, उन्होंने कहा कि हिंसा हो गई है। मुझे तुरंत चिंता हुई कि ये हिंसा जो है ये कराई गई है, मुझे पता चला ये कराई गई है और मैंने तुरंत जो है अपने कुछ और लोग जो थे, जो प्रोफेसर रमेश दीक्षा, रूपरेखा वर्मा, ये तमाम लोगों से मैंने बात की कि हम लोगों को एक सिटीजन्स पीस कमेटी जो है एक बनानी चाहिए ताकि हम प्रशासन के साथ बात करें कि प्रशासन अनावश्यक दमन ना करे और हम जनता को बताएं कि आप गुमराह मत होइए, आप किसी के बहकावे में मत, ये सारी बातें जो है ये मेरी कॉल डिटेल में है। उसके बावजूद मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने वहाँ हाउस रेस्ट में रहते हुए जो है मैंने जो है लोगों को भड़काया। इसके साथ एक और बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 20 तारीख को जब मेरी गिरफ्तारी की गई है तो घर से 11:15 बजे मुझे गिरफ्तार किया गया, 11 बजे करीब, और गाजीपुर का CO और इंस्पेक्टर ये सब आए हैं मुझे घर से वो ले गए, मुझे कहा कि आपको थाना गाजीपुर चलना है, मैं उनके साथ चल दिया। मैंने उनसे पूछा गिरफ्तारी तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं गिरफ्तारी नहीं है, आपको केवल थाने पे बैठना है। मैंने कहा ठीक है भाई, शाम तक बैठाए रखेंगे, छोड़ देंगे। शाम तक मुझे वहाँ बैठाए रखा गया, ना कोई खाना ना कोई कुछ खाने, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। शाम को 5:30 बजे मुझे वहाँ से लेके हजरतगंज ले गए, वहाँ इंस्पेक्टर हजरतगंज थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मेरी गिरफ्तारी है, उन्होंने कहा हाँ 39 लोगों की हो गई है, 40वीं आपकी हो रही है। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, अब अगर आप सरकार समझती है कि भाई हमने अपराध किया तो हमारी गिरफ्तारी करिए। उसके बाद मुझे वहाँ बिठा लिया गया, बिठाने के बाद 8 बजे जो है मुझे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया रिवर बैंक कॉलोनी में। मैंने उनको अपनी बात बताई और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ क्या बनता है, जो IO लेके गए थे, SO लेके गए थे, उन्होंने कहा इनके खिलाफ क्या बनता है, 120 भी तो कोई अपराध नहीं होता है, इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता, मैं आपको कोई रिमांड नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ SSP को लिखूंगा कि आप बिल्कुल गलत कार्रवाई आपने की है। मैंने पूरी अपनी पोजीशन बताई। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, 1.5-2 पन्ने लिखे, उसके बाद मुझे नीचे भेज दिया गया और मैं जाके जीप में बैठ गया। इंस्पेक्टर बहुत देर तक हाथ पैर जोड़ता रहा, मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड नहीं दिया। उसके बाद जो है फिर इंस्पेक्टर जो है हजरतगंज आए, 1 घंटा तक वो उनके आगे अनुनय विनय करते रहे, उन्होंने रिमांड देने से मना कर दिया। उसके बाद 12 बजे के करीब जो है मुझे वहाँ से रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो
है मुझे थाना हजरतगंज लाया गया और मुझे जो है बैठा दिया गया। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, मैं केवल जो है ये था, कोई इनर वगैरह नहीं था, मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने कहा कि मुझे कंबल दे दीजिए, उन्होंने कहा कि आपको कोई कंबल नहीं दिया जाएगा। दवाइयां भी चलती हैं क्या आपकी? मेरी दवाइयां चलती हैं, मैं प्रोस्टेट ग्लैंड का मैं मरीज हूं, काफ़ी पुराना, हर एक आधा पौना घंटे बाद मुझे पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बीमारी जिसका मुझे खतरा है वो था पेनाइल कैंसर। पेनाइल कैंसर का जो है मेरा डायग्नोज जो है वो KGMU में चल रहा था। मैं वो सब मेरी दवाइयाँ घर पे रह गई, मेरी दवाइयाँ सब घर, मेरी दवाई लगातार चली थी, मुझे लगातार खाना था, वो घर पे रह गई। खैर उसकी मुझे परवाह नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि रात भर मुझे कंबल नहीं दिया गया, मैं बार बार मांगता रहा, मैंने कहा कि मुझे कंबल दीजिए, मैं किसी प्रकार से लपेट के बैठ जाऊँ, मुझे सर्दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई कंबल देने का आदेश नहीं है। और मेरे किसी साथी को कंबल नहीं दिया गया, मोहम्मद शुएब को। और जो पिटाई है वो पिटाई की गई, निकाल निकाल के सदब की पिटाई की गई। और जो लोग हमारे, सबसे ज़्यादा पिटाई थाना हजरतगंज में की गई है, दो दो बार लोगों को ले जाके पिटाई की गई। और SSP ने अपने सामने करवाई है, SSP ने अपने सामने पिटाई करवाई है ये वाले। और नाम पूछ के अगर मुसलमान है तो उसको कसाई की तरह जो है मतलब पीटा गया है, अगर मुसलमान है। ये सारी अमानवीयता, ये सारा टॉर्चर जो है सबसे ज़्यादा हजरतगंज थाने में, उसके बाद जो है आपके हुसैनगंज थाने में हुआ है और थानों पे भी हुआ है, हमने यहाँ पर देखा है। और एक बात मैं बता दूँ, जो लोग गिरफ्तार के होके आए हैं उनमें केवल मुसलमान नहीं है, उसमें बड़ी संख्या में गैर मुसलमान लोग हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई है इस कानून के खिलाफ वो खाली एक मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। वहाँ जो प्रदर्शन हुआ था 10-12 हज़ार लोग जो वहाँ पर जमा हुए थे आपके प्रवर्तन चौक पर, उसमें सभी लोग थे, उसमें तमाम सोशल एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले। हमारी लड़ाई, ये जो हमारी लड़ाई है ये केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, हम सब की साझी लड़ाई है। क्योंकि आज अगर ये सब कामयाब हो गए तो आगे क्या होगा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रियंका जी आपके घर पे भी गई थी वहाँ? हाँ, मुझे पता चला। प्रियंका जी मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह से बीमार है, उनका आधा लिवर जो है डैमेज हो चुका है, वो बिस्तर से ना उठ सकती है ना अपने आप जा सकती है, तो वो मैं ही उनको उठा के ले जाता था, वो करता था। मैं प्रियंका जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मानवीय आधार पर जो है पुलिस के तमाम विरोध के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद भी वो मेरे घर पे गई। मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलकर जो है उनका मैं धन्यवाद करूँगा। और मेरा संदेश है जनता को, मेरा संदेश है, हम इस कानून का विरोध हमने किया है, करेंगे और आगे भी हम जनता के साथ मिलकर इसका हमारा विरोध जारी। कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है, क्या उसको लेके भी रणनीति रहेगी कुछ आप लोगों? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में हूँ और कल का जो भारत बंद है उसका हम समर्थन करते हैं। हमारा जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ पर हमारे सारे लोग जो हैं वो उसमें भारत बंद में शामिल होंगे। हो सकता है कि कल मैं भी भारत, जो हमने तो ग्रामीण भारत बंद का आह्वान दिया है, दूसरी पार्टियों ने भारत बंद का दिया, हमारा ग्रामीण भारत बंद का आह्वान है, मैं उसका समर्थन करता हूं और लोगों से अपील करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भारत बंद में उसमें भाग लें और हो सकता है कि कल को मैं भी उसमें शामिल हूँ। क्या करेंगे इसको लेकर आप लोग? अब देखेंगे, अब तो मुझे तो मालूम नहीं है, अब मैं बाहर निकल के देखूंगा कि क्या रणनीति बनाई गई है। जो आम सहमति से रणनीति बनी है उसमें हम भी अपनी राय रख के जो कार्रवाई करनी है करेंगे।